दोस्तों नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो एसबीआई के माध्यम से आरडी अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। आज की इस वीडियो में देखेंगे, यानी कि आरडी अकाउंट मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। यह बेसिकली जो है योनो एसबीआई के माध्यम से ओपन किया जाता है और भी बैंक के द्वारा ओपन किया जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले आरडी अकाउंट किसे कहते हैं, तो अगर आपके आमदनी खर्चे से कुछ रुपये बच जाते हैं तो आप जो है आरडी में पैसे लगा सकते हैं, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर जो है मंथली बेसिस पर आप इसमें पैसे जो डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि आप 100 रुपये से 10,000 रुपये तक कर सकते हैं, और जितने भी महीने के लिए आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितने भी साल के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है 1 साल से लेके यहाँ पे आप जो है 10 साल तक कर सकते हैं, और यहाँ पे 100 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक आप यहाँ पे आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान के लिए आप 300 रुपये का महीने आरडी अकाउंट ओपन किए हैं, तो आपका 300 रुपये का जो है खाते से कटता जाएगा, और जो कटेगा उस पर आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, और यानी कि ब्याज दिया जाएगा, और यहाँ पे समय के अनुसार से आपको ब्याज मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं किस तरह से आप यहाँ पे आरडी अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो सबसे पहले योनो एसबीआई को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एम पिन यहाँ पर इंटर कर लेना है। एम पिन इंटर करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप जो है योनो एसबीआई के होम पेज पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे देखिए अकाउंट के नीचे में एक ऑप्शन है डिपॉजिट का, तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रिकरिंग डिपॉजिट का एक ऑप्शन है, उससे पहले फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन है। अगर आप नहीं जानते हैं किस तरह से अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट किया जाता है, उसका भी मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे रिकरिंग डिपॉजिट पे यानी कि आरडी अकाउंट पे यहां पे क्लिक कर लेते हैं। और यहां पे देखिए कोई सा अभी मेरा जो है आरडी अकाउंट ओपन नहीं है, तो यहां पे स्टार्ट न्यू रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी, तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कितने रुपये का यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं आरडी अकाउंट, तो यहाँ पे हम चलिए 500 यहाँ पे इंटर कर देते हैं। और मिनिमम यहाँ से आप जो है 100 से 10,000 तक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका ये अकाउंट नंबर है और इसी से आपका पैसा कटेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और जितना भी आपको पैसा रखना था 300-500 वो रख दिए। उसके बाद यहाँ पे कितने साल तक आप करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल तक, यहाँ पे हम 1 साल तक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अगर आप 1 साल 5 मंथ 1 साल 6 मंथ यह सब करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हमको 1 ईयर के लिए ही करना है, और 0 मंथ पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 20 तारीख को एवरी मंथ जो है यह पैसा कट जाएगा 500 जो मैंने इंटर किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्यू इंटरेस्ट रेट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे 1 साल के लिए आपको 5% आपको एनुअल मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 2 साल के लिए करते हैं 5.10%, अगर 5 साल के लिए करते हैं 5.40% तक आपको ये मिलने वाला है। तो चलिए इसको यहाँ पर बैक कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली आप जो इसमें 500 रुपया जमा करेंगे और आपके खाते से ऑटोमेटिक कट जाएगा। उसके बाद एवरी मंथ, यह आज 20 तारीख है, 20 तारीख को ही आपको पैसा कटेगा, और आपका अकाउंट नंबर ये है, और यहाँ पर 1 साल के लिए आप यहाँ पर किए हैं, और उसके बाद मैच्योरिटी डेट जो है यहाँ पे 20 अक्टूबर 2022, यानी कि आज जो है 20 अक्टूबर है, अगले 1 साल तक ये अकाउंट को यानी कि आरडी अकाउंट को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो रेट मिलेगा यहाँ पे 5% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी डिटेल ऐड करना चाहते हैं, यानी कि देखना चाहते हैं नॉमिनी डिटेल, तो व्यू नॉमिनी डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे, और अगर किसी को नॉमिनी डिटेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बना भी सकते हैं एडिट पे क्लिक करके। और यहाँ पे अगर पहले से आपका नॉमिनी डिटेल होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएट योर रिकरिंग डिपॉजिट, यहाँ पर आपका आरडी अकाउंट यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट नंबर भी आ जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे। तो ओके पे हम चलें। तो यहाँ पे मैं अभी 500 रुपये का बनाया हूँ, और यहाँ पे 5% के इंटरेस्ट रेट हमको मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा बैलेंस कटा है कि नहीं कटा है, यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे 500 रुपया यानी कि कट चुका है, और यहाँ पे आरडी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप जो है
आरडी अकाउंट को बना सकते हैं। अगर इन फ्यूचर में आपका पैसे का जरूरी पड़ जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आरडी अकाउंट को हम क्लोज कर दें, जो भी पैसा इंटरेस्ट के साथ आता है रिटर्न वो वापस आ जाए, तो यहाँ पे फिर से आपको माई डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे माय डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। और आने के बाद यहाँ पे आपको रिकरिंग डिपॉजिट पे आना है फिर से, और आने के बाद जो भी आप यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट ओपन किए हैं उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी तुरंत करके बताया हूँ, तुरंत अभी क्लोज कर रहा हूँ, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप एक साल छः महीने जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अगर आपका मन है क्लोज करने का पैसा वापस लेने का, तो यहाँ पे फिर से उसी तरह से आएंगे, डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रिकरिंग डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जितने का भी आप आरडी बनाए हैं तो उस पर आपको क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा मेन्यू आ जाएगा कि कितना आपको इंटरेस्ट मिला था, कितना का आप यहाँ पे मंथली आरडी कर रहे थे जमा पैसा, तो वो आ जाएगा। उसके बाद क्लोज करने के लिए क्लोज रिकरिंग डिपॉजिट पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज, यस मैं ये रिकरिंग डिपॉजिट जो है क्लोज करना चाहता हूँ, तो ओके पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन के लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे कन्फर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना, ओटीपी को इंटर करने के बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली क्लोज्ड योर रिकरिंग डिपॉजिट, तो ओके पे हम क्लिक करेंगे। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे फिर से आ जाएंगे इसी पेज पे, यहाँ पे देखिए रिकरिंग डिपॉजिट पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लोज हो चुका है और ये मेरा जो पैसा अपने जो मेन खाते में जो है, जिस खाते से मेरा ये डेबिट क्रेडिट हुआ था वो उसमें आ जाएगा। तो चलिए हम आपको स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जस्ट मेरा 500 रुपया आ चुका है जो कि मैंने आरडी अकाउंट के लिए यूज किया था। तो इस तरह से हम आपको लाइव प्रोसेस बताएं, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे आरडी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। पूछना है तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।